नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, देखिए, इस तरह का मल्टी कलर डिजाइन। देखिए देखिए, डिजाइन ये बन के बहुत ही सुंदर लगता है और बच्चों के स्वेटर पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस डिजाइन को किसी में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे और लेडीज़ स्वेटर कार्डिगन में, दो कलर में जैसे डालना चाहो। और बच्चों के स्वेटर में तो आप किसी भी मल्टी कलर में डाल सकते हैं। जैसे आपके पास ऐसे बची हुई ऊन है उससे आप दो दो सिलाइयों से आप इसे बना सकते हैं। दो सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है और दो ही फंदों का हमारा ये डिजाइन है। तो इसमें मैंने सैंपल में 28 फंदे डाले हैं, 28 फंदे। तो आइए हम इस बुनाई को निकालना शुरू करते हैं। देखिए, सैंपल में आपको दिखाऊंगी बना के। इसमें मैंने देखिए थोड़ा सा बॉर्डर डाला है, 15 फंदे डाल के, 15 फंदे। और फिर ये मैंने दूसरा धागा लगा दे रही मैं यहाँ से, दूसरी ऊन लगा देंगे और सीधी सीधी सिलाई उन्हें बुनेंगे। सीधी साइड से हमारी है, सीधी साइड से ये धागा लगाएंगे हम और पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे। एक एक सिलाई पूरी सीधी बना देंगे। देखिए, उल्टी सिलाई से हमारा ये डिजाइन पड़ेगा। तो उल्टी सिलाई में पहला फंदा बुन लिया हमने और फिर दो दो फंदों की बुनाई हमारी उल्टी साइड से हमारा ये डिजाइन पड़ेगा। सीधी साइड से हम धागा लगा लेंगे, उल्टी साइड से डिजाइन। देखिए, दो का एक किया, धागा नीचे, फिर दो का एक कर देना है। ये हो गया, धागा ऊपर कर देंगे, फिर दो का एक करेंगे ऐसे, धागा नीचे, फिर दो का एक। एक बार उल्टी उल्टा फंदा लेके, एक बार सीधा, एक बार उल्टी उल्टा फंदा लिया, एक बार फिर सीधा नीचे को लिया धागा, फिर सीधा फंदा लेना है। बस यही डिजाइन है इसका। ऐसे एक बार नीचे से उसी में से डाल के नीचे से लेना है। एक बार ऊपर से और एक बार फिर नीचे से, सिलाई पे रहने देने फंदे, एक बार धागा नीचे करना है ऐसे और फिर इस तरह से सीधा फंदा ले लेना है। लास्ट का एक स्टिच हम उल्टा बना लेंगे। अब सीधी सिलाई आ गई, सीधी सिलाई में हम दूसरा धागा लगा लेंगे क्योंकि दो दो सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। अब ये वाला लगा लेंगे हम नीला। इसमें क्या करेंगे, अभी तो पहले पूरी सिलाई हम पूरी सिलाई इसी से निकाल लेंगे। सीधी सीधी साइड से कोई डिजाइन नहीं निकलेगा, ये प्लेन बनानी है सीधी सीधी। इसको हम सीधा बना लेते हैं, सारे फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से ऐसे। देखिए, सीधी सिलाई पूरी हो गई हमारी। लास्ट का उल्टा बना देते हैं एक स्टिच। अब उल्टी सिलाई में आ गया। उल्टी सिलाई में देखिए क्या करना है, हमने बनाना तो ऐसे ही है डिजाइन, पर थोड़ा सा अंतर है हमारा जो है। पहली सिलाई में हमने एक फंदा बुन लिया था और फिर डिजाइन बनाया था ऐसे करके। डिजाइन शुरू कर देते, इसमें हम दो फंदे बुनेंगे, एक ही वाला दो फंदे बुन लेंगे उल्टे, दो फंदे उल्टे बुन लें, फिर डिजाइन निकालेंगे हम अपना। फिर उसी तरह से बनाना है हमने, दो का एक, दो का एक, धागा नीचे करेंगे, फंदे इसी सिलाई पे रहने देंगे, फिर दो का एक नीचे करके सीधी साइड से दो का एक, फिर धागा ऊपर कर देंगे, फिर दो का एक, एक उल्टी बार दो का एक, फिर धागा नीचे करेंगे, फंदे उसी में रहने देने, अब फंदे छोड़ देने, दो का एक कर दिया। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे अपनी, लास्ट के दो फंदे छोड़ के। आगे हम लास्ट पे दो फंदे, धागा नीचे, फिर दो का एक, ये दो फंदे पूछ के हमारे लास्ट में। शुरू में भी दो फंदे थे तो लास्ट में भी दो फंदे आने चाहिए। देखिए, तो इस तरह से आ जाएगा डिजाइन। देखिए, इस तरह से आएगा। ये दो फंदे इसलिए छोड़े, फिर हमारा डिजाइन ये इसके बीच में बनता है यहाँ पे।
बीच बीच में बनेगा। यदि सीधा बनाना चाहो सीधा भी बना सकते हैं आप इसी के ऊपर, उसमें एक एक ही फंदा छोड़ दो, हर सिलाई में एक एक फंदा ही छोड़ोगे आप। यदि ऐसे इधर इधर आप जैसे पड़ा हो ना डिजाइन, इस ऐसे तिरछा तिरछा दिख रहा है तो इस तरह आएगा ये, दो एक सिलाई में एक फंदा, एक सिलाई में दो फंदे छोड़ने होंगे आपको, तब जाके हमारा इस तरह से तिरछा तिरछा आएगा डिजाइन। फिर इसके बाद हम ये वाला धागा लगा देंगे अपना। आपके पास जितने कलर है उतने लगा सकते हैं आप, जिस जैसे जैसे मैंने उसमें सैंपल में दिखाया थोड़ा। देखिए बन के इस तरह से आएगा ये, मैंने दो दो लाइन इसकी, दो तीन दो चार छः लाइनें बना के दिखा दी हैं आपको। इसी तरह से बनाते जाओगे आप तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये निकल के आता है। बच्चों के स्वेटर पे तो खासकर बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन, आप भी बनाइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साइड में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।